पोहरी विधानसभा में कार्यकर्ता से मिले उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य बाबूलाल तिवारी, बोले 2023 में फिर भाजपा की सरकार बनेगी प्रदेश में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बहनों के लिए बहुत कुछ किया है, भाजपा मजबूत है। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव से पूर्व भाजपा ने अपने अन्य प्रदेशों के विधानसभा के सदस्यों को भेजकर क्षेत्रों की स्थिति के बारे में जानने के लिए भेजा है। पोहरी में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्य बाबूलाल तिवारी में 8 दिनों से पोहरी विधानसभा में बूथ कार्यकर्ता से मिले एवं क्षेत्र की स्थिति के बारे में जानकारी ली एवं कार्यकर्ता के साथ क्षेत्र में जाकर लोगों से मिलकर प्रदेश में चल रही योजना के बारे में जानकारी ली। इसके बाद मीडिया से बातचीत में बोले, फिर से मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार बन रही है, हर वर्ग के लिए कुछ किया है, कार्यकर्ता में जोश है, भाजपा फिर से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएगी। इससे पूर्व आज बैराड़ मंडल में भाजपा युवा कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली का आयोजन किया। लगातार आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, किस प्रकार की आपको सर्वे में भाजपा की स्थिति दे? मैं भाजपा की स्थिति 4 मंडल में गए हम, और 4 मंडलों में हमने सभी मंडल अध्यक्षों से मिले, मंडलों की मीटिंग की, शक्ति केंद्रों की मीटिंग की, जहां हमारे 44 शक्ति केंद्र हैं, 294 बूथ हैं। तो हमने पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखा, बहुत उत्साह है पार्टी के कार्यकर्ताओं को, और उनका कहना है पार्टी के लोगों को कि हमारा तो प्रत्याशी तय है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और हम कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं। जब भी चुनाव की घोषणा हो जाएगी हम सब लोग निकल करके आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराने का प्रयास करेंगे। भाजपा में मूल रूप से 2 भाजपा हो चुकी हैं अब इस समय, एक पुरानी भाजपा और जब से सिंधिया जी का भाजपा में हुआ तो 2 भाजपा पर, लेकिन पौड़ी में मैंने स्थिति देखी गई है कि जो मूल भाजपा वो पूर्ण रूप से नाराज चल रही, तो उसको कैसे साधा जाएगा? देखिए ऐसा है, हमारा कार्यकर्ता जो है, हम लोग इसीलिए भेजे गए हैं, अगर किसी की नाराजगी है उनसे हमने बात कर ली और उनको किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है। जो पुरानी और नई भाजपा नहीं, भाजपा केवल एक है, सिंधिया जी उसी भाजपा में आकर के मिल गए हैं और सिंधिया जी बड़े मनोयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। तो भाजपा 2 नहीं है, भाजपा केवल भारतीय जनता पार्टी एक है, जिसके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी हैं। अब बात की जाए तो क्या प्रत्याशी इस बार नया चेहरा होगा या उसी प्रत्याशी पर भाजपा दाव खेलेगी? आपके सर्वे के अंदर कहा कि जहां हमारे प्रत्याशी तय हो गए हैं वहाँ नाम आ गए हैं और कमल का फूल साथ में है, और जहाँ प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं वहाँ हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। अभी हम कमल के फूल का प्रचार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। आपने सर्वे किया, मेरे जानकारी में आया कि सर्वे में भी कई कार्यकर्ता ने आपके नाराजगी जाहिर की कि किस प्रकार से स्थिति, तो पर उस नाराजगी को आपने किस प्रकार से? नाराजगी कुछ नहीं है कार्यकर्ताओं में, कार्यकर्ताओं में किसी भी प्रकार की नाराजगी नहीं है, कार्यकर्ताओं में यह जो इतना जोश है उन्होंने देखा, उन्हें मालूम चल गया है सब प्रकार से कि देखिए लाडली बहना योजना जो चली है मध्य प्रदेश सरकार की, बहुत उत्तम योजना है। और अभी आपने देखा कि आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह चौहान ने 250 रुपये बहनों के लिए राखी के त्यौहार में भेंट करने का काम किया है, और अभी 23 तारीख को देखा हमारा जो है चंद्रयान सफलतापूर्वक वहाँ पहुँच गया है। हमारे किसानों के लिए 12,000 रुपये प्रति वर्ष मिल रहे हैं, तो सारा का सारा किसान है, सारी की सारी लाडली बहनें हैं, पार्टी कार्यकर्ता सब खुश हैं पार्टी से।